हैव टू डू टॉपिक नंबर 2 फ्रॉम द बुक. ठीक है, टॉपिक नंबर 2 दे विच इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आ रहे. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दी डेरिवेशंस भी आ सकती हैं अपन. ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे आएंगे 101% आएंगे. जिदा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा शोर शॉर्ट क्वेश्चन है वो. ठीक है ना, ये ग्राफ दिता हुआ है उधर ना रिलेटेड अपन क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो नॉर्मली इट इज आस्क्ड इन 3 or 2 marks. ठीक है, जो 2 mark क्वेश्चन होगा तो 2 questions आ जाएंगे, जो 3 mark क्वेश्चन होगा तो 3 follow-ups होंगे. ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो. फॉर अ रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, हाफ लाइफ पीरियड इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, वॉट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. हाँ जी राजे, उन्होंने अपन कंडीशन दिती है कि जेड़ा हाफ लाइफ पीरियड है, इट इज पिछे आंसर भी देखने, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. वो कॉन्सेंट्रेशन तो इंडिपेंडेंट है, तो किड़े ऑर्डर की रिएक्शन है ये. जेड़ा टी हाफ होंगे है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डी पार 1 minus m. ठीक है, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, उनके ऑर्डर होया फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, वैसे भी सुनो इस स्टेज में सुनो फॉर्मूले रटे होने चाहिए ने. जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला की होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लिए की होता है फॉर्मूला 0.693 अपॉन के, सो इंडिपेंडेंट नहीं थे. अंश इधर देखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है तो जे अपने को स्टार्टिंग 100 मोल्स है, मतलब पढ़ के तो आई नहीं थ्योरी है ना, आई उठ के आए हो है ना, नहीं पढ़ी डेरिवेशन, क्योंकि जो पढ़िया होंगे तो क्वेश्चन ही जल्दी है, तो वैसे ही आते होंगे. 100 तो 50 जान ले अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 50 तो 25 जान ले भी 10 सेकंड लगे हैं. ठीक है ना, सो इथे टी हाफ कितना हो गया 10 सेकंड, इथे भी टी हाफ कितना हो गया 10 सेकंड. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 सी हुन 50 है, सो फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कितने डिपेंड कर रहे हैं, 10 समझ आई कि नहीं. ठीक है, सिमिलरली अगर अपने को जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जे 100 तो 50 जान ले अपन उस 10 सेकंड लगते हैं, तो 50 तो 25 जान ले 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रह गई तो टी हाफ भी हाफ रह गया. ठीक है, और डन के लिए आप इन इदा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इन इस तरीके ना भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर ले जेड़ा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन दे उत्ते डिपेंड ही नहीं करता. देखो जो कॉन्सेंट्रेशन 100 सी, पर रेट कितना होया 100 तो 50 जान ले कितना रेट होया, कैलकुलेट करी, पेंसिल की लोड नहीं है. 100 तो 50 जान ले रिएक्शन का रेट कितना होगा, अलीशा कितना रेट आया राजे 100 तो 50 जान ले. क्वेश्चन टफ है पर कर सकते हो, मैं पूरी उम्मीद है, बहुत ज्यादा टफ है, मतलब माड़ा मतलब. फिजिक्स के स्टूडेंट्स ने सारे रेट ही कटना है, पेंसिल की लोड़ है नहीं बायोलॉजी के वास्ते. हाँ जशन, अनमोल सर रेट. हाँ जी रेट सर, वो फर्स्ट ऑर्डर चीके जीरो ना आप लोग चीके, वैसे ही एक कोई गलत तो ना चीकर लगे चेक. हाँ करन पंजी आया, किन्हें मोल बढ़ते गए हैं 50, किन्हें टाइम चल 10 घंटा चल, समझा बटे 10 5 रेट आ गया कि नहीं. ठीक है,
सेकंडली कैलकुलेट करियो 50 तो 25 जान ली है मोल उधर 5 आया है 25 मोल बढ़ते गए ने 5 सेकंड टाइम से सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन सो जीरो ऑर्डर आई भी कह सकते हो ऐसे कैलकुलेट करो पहले टाइम पीरियड्स कितना रेट है 5 अगले टाइम पीरियड्स कितना हो गया 2.5 सो रेट कट गया कि नहीं कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह गई रेट भी हाफ रह गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और समझ आई कि नहीं गल मानसी बल्ले पे आ फर्स्ट ऑर्डर ले रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सो अगर कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रह गई रेट भी अद्धा रह गया जीरो ऑर्डर ले रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सो अगर कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रह भी गई रेट के उत्ते कोई असर नहीं पाया जबकि टी हाफ दे केस च फर्स्ट ऑर्डरली टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सो चाहे कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रहेगी टी हाफ सेम है जबकि जीरो ऑर्डर के केस च टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अद्धी रहेगी तो टी हाफ भी की रह गया डर के नहीं इन तो अगर तुम होर 10 सैकेंड लिए तोरोंगे पूरी हो जूगी 100 च 50 अगर सॉरी 10 च 50 अगर होर 10 सेकंड होंगे तो 0 50 तो 0 क्योंकि रेट तो सेम ही है और डन के नहीं ठीक है सो हम देखो अपना क्वेश्चन की है फॉर अ रिएक्शन हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सो रजे अपन ने ये फॉर्मूले के नाल सॉल्व करना है क्वेश्चन ठीक है तो आप लिखेंगे सिंस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दी पावर 0 सो एन दी वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड डन ठीक है हां जी सेकंड अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट आ गया फार्मूला भी अगर एक चीज लर्न करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आ हम जितने जितने आप चीजें बोर्ड पे लिखी हैं एदे नाल अधिया चीजें सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ रेट इक्वेशन रह गई लिखनी ठीक है सो देखो A first order reaction is found to have a rate constant k. Find the half life. So Mansi dekhi board wala keda formula lagega? Jinne ki, ha? 0.693 upon k. Ho gaya question? Theek hai. Apanu t k ditta hoya t half apane kadna hai. Agar suppose second question di shuruaat anmol aayi hundi, a zero order reaction is found to have. Fir apan keda formula lagande? Fir upon 2 k. R upon दोगे फिर अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती डेरेगा पॉइंट ठीक है हां जी क्वेश्चन नंबर 3 इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्स एंड 3/4 हाफ 3/4 लाइफ इज वाई हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड देखो रे हम क्वेश्चन नु अगर ये एमसीक्यू च अंदर ते थ्योरी च अंदर अपन ने कैसे सॉल्व करना है तो देखो रे थ्योरेटिकल क्वेश्चन विल बी सॉल्वड लाइक दिस अपने को फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन होती है t is equal to 2.303 अपॉन k log of इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन यही होता है ना अपने को डन वो कहते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड x है So x is equal to 2.303 upon k log of r naught upon r naught by 2 half life period ho gaya theek hai initial aur final concentration theek hai hun a apni question number 1 hai chalo apan isnu r naught kat ke log of 2 reh chuka log of 2 kitna hunda hai 0.3010 ठीक है सो ये सॉल्व करके मेरे को आ गया 0.3010 डेरिवेशन भी सीखो ना रे कितों बनी है इधर तो उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0.693 है मान के ठीक है अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.693 अपॉन के अपन डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हो गया हुन ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई हुन वो कहते कि 3/4 लाइफ इन है y
सो अगेन मैं वैल्यूज पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, यानी कितनी वैल्यू आओगी रे r दी, r नॉट अपॉन 3 r नॉट बाय 4, फाइनल कंसंट्रेशन आ रहा है, 3 बाय 4 लाइफ 3 जा चुकी, कितनी बच गई 1 बाय 4, सो r नॉट बाय 4 डन है कि नहीं, 4 ऊपर चल जाएगा, log ऑफ 2 द स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है 2 log 2 आ जाएगा, चलो आप आई हूं आई देख लो 2.303 into 0.30100 सीगा और डन के नहीं, तो आपने को y की वैल्यू कितनी आ गई into 2 into 0.30100, सो क्लियरली दिख रहा है कि y is equal to हो गया और डन के नहीं, x में जब उसी 2 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो y आ जाएगा, हो जाएगा ठीक है, जबकि हमें तो देखो जो अपने MCQs ली सॉल्व करना है क्वेश्चन, चाहे आप ये कर लो क्योंकि थ्योरी एग्जाम्स जो अपन MCQs भी कर रहे हैं टाइम तो हम नहीं मिलना है अपन, है ना, बट यस इधर देखो वो कहते कि 100 तो देखो ना ध्यान ना कुछ भी नहीं, 100 तो 50 जान ली अपन को की लग रहे हैं x, है ना, 100 तो 50 तो 25 जान ली अपन की लग रहे हैं 100 तो 25 जान ली वाई लग रहे हैं, 3-4 लाइफ खत्म होगी, 1/4 बच गई, 1/4 कितना होता है 100 का 25%, अलीशा पल्ले गए नहीं पे पै गया कि नहीं, वो कह रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड अपना एक्स है, हाफ लाइफ पीरियड की अंदर जो 100 का 50 ठीक है, वो कह रहे हैं 3/4 लाइफ अपनी कितनी है वाई, 3/4 लाइफ का मतलब क्या है कि जितनी देर तक सोडा रिएक्टेंट 3/4 खत्म हो जाएगा, जब 3/4 खत्म हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है 20, सो 100 तो पहला 50 जाऊंगा, ये मैं आई क्यों लिखा है क्योंकि इधर दो हाफ लाइफ्स हो गई और ठीक है कि नहीं, सो हम मैं वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 100 तो 50 जान ली 10 सेकंड लगते हैं तो 100 तो 50 ली 10, 50 तो 25 ली 10 को, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है बराबर ही लिखूंगा टाइम नहीं ठीक है, सो टोटल टाइम कितना लग गया v, सो y इज इक्वल टू 2x, डबल टाइम लगूंगा नहीं ठीक है, जो एमसीक्यूज ने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना वैसे फर्स्ट ऑर्डर ले तो अब देसी मेथड नाल ही करना है ठीक है ना, वेरी इफेक्टिव, देखो जे कुछ ऊट पटांग भी क्वेश्चन आ जाऊंगा ना तब ही सॉल्व हो जाऊंगा ठीक है ना, क्योंकि एमसीक्यू से तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर देखो हमें क्वेश्चन आ गया कि एक प्रोडक्ट का जेड़ा टी हाफ है दैट इज 5 सेकंड्स ठीक है, दसो उसको 90% कंप्लीट होने पे कितना टाइम लगेगा रिएक्शन में, है ना, यानी कि मेरे को 100 तो 10 बच गया हो आए लगा दो ठीक है, हम देखो ना पता की है वो फॉर्मूले के नाल लेंथी टाइम मतलब लेंथी टाइम लगा के ना जब मर्जी सॉल्व कर दो, पहला एक बारी तुक्का मार के देखो की तुक्का मारेंगे अपन कि 100 तो 50 5 सेकंड, 50 तो 25 5 सेकंड, 25 तो 12.5 5 सेकंड, हम देखो कितना प्रोडक्ट बचा है 12.5 कितना खत्म हो चुका 87.5, मैं कितना खत्म करना है 90, 12.5 तो 6.25 5 सेकंड, सो हमने तो कितना प्रोडक्ट बच गया 94.75, सो मतलब 94.75 हो गया, यानी कि जेड़ा मेरा टाइम पीरियड है वो किधर किधर बच होगा 1 2 3 15 दे 5 20, सो जेडी ऑप्शन 15 तो 20 दे विचाले दित्ती भी हो गया अपना आंसर है, ये मल्टीपल दित्ती हुई है ना वो उठ ही आ गया मेरी गल समझ आ गई, अव्वल का जे टीचर ने भी दिमाग लगाना है तो उसको एक ही ऑप्शन देऊंगा बीच हुन एक ऑप्शन में 17 है एक 18 है फिर यू हैव अनदर ऑप्शन दैट डू कैलकुलेट, ये तो अपन कैलकुलेट करना ही दूंगा मेरी गल समझ गए कि नहीं, देखो तुसी कहोगे कि सर फिर डबल टाइम वेस्ट होगा, इधर देखना टाइम वेस्ट होना है
तो मतलब हार्डली 10 सेकंड की गेम है। ठीक है, मुझे सुनो क्वेश्चन आता है कि कितने चरित्र दोस्तों रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, कर लो कंप्लीट। सवा छह तो कितना रह जाएगा, 3.12 तो 1.56, 1.56 तो 0.78, 0.78 तो 0.39, 0.39 0.4 होता, 0.4 तो 0.2, 0.2 तो 0.1, तो जोड़ लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 सेकंड होता है। हो गया जे, यही क्वेश्चन अपन इथे सॉल्व करते हैं, इस पे अपन 3-4 मिनट लगेंगे, नो डाउट। ठीक है ना, तो एग्जाम प्रेशर च बात भी लग जाते कई बार। ठीक है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जे अपन ऐसा कैलकुलेट करिए तो अपना आंसर शायद 4 चॉइसेस होगा। ऐसा तो पक्का होगा क्योंकि तो श्योर शॉट सही है ना, इधर जिहड़ा कैलकुलेशन च कोई गलती होने के चांस है। अपन मतलब देखो 10 मिनट ला के आंसर भी कटी गए, क्योंकि देखो ये काफी सारे स्टेप होंगे, लॉग लूप की वैल्यू पुट करनी, डिवाइड करना, कट वंड करना, एंड तक जो 4 ऑप्शन है आंसर ही ना हो ना, वो तो मोरल ही डाउन कर दिया। ठीक है, तो ऐसा देसी भी ना करोगे दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, चलो आगे। सो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Define the following half-life of a reaction. So, जिन्ने समय दे विच किसी reactant दी concentration आप दी original concentration तो half रह जाती है, that is called half-life. Rate constant. So, it is defined as the rate of the reaction when the concentration of all the reactants is taken as unity one. समझ गए? आप कहोगे, देखो अपना answer रह जाए तो शुरू होना चाहिए। चाहे एक नंबर का question आए ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਸੋ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਇਨਟੂ ਆਰ, ਵੇਅਰ ਕੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਅਰ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ 1 ਮੋਲਸ ਪਰ ਲੀਟਰ then rate becomes equal to k. hun aap apni definition likhange. so rate constant k is defined as the rate of the reaction when the concentration of all the reactants is taken as unity. done. haan ji re. so fifth question eh main sunu pehla bhi das chukya, matlab these are typical questions. so dekho, for a chemical reaction reactant gives you product. कॉन्सेंट्रेशन ते टाइम का ग्राफ है रजे। देखो कॉन्सेंट्रेशन इको स्पीड नाल घट रही है, यानी कि स्पीड की है सेम, तो स्पीड सेम कदों होती है, जीरो ऑर्डर। ठीक है ना, देखो जे ही फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन होता तो अपना ग्राफ ऐसा करता, शुरू शुरू जल्दी फिर लेट। ठीक है, सिंस इको स्पीड नाल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। हाँ जी, हम देखो इधर। सो हमने एक क्वेश्चन अपने पहले आंसर पे ही डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन की होती है अपनी, के इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी। ग्राफ दिता हुआ है अपन बिटवीन आर एंड टाइम, सो मैं ਇਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਨ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ KT ਨੂੰ ਨੀਚੇ। ਸੋ KT ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਨਾਟ ਮਾਈਨਸ R। R ਇਧਰ ਲੈ ਆਓ, R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਨਾਟ ਮਾਈਨਸ KT। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ Y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx plus c, m अपनी स्लोप होती है, minus k is your slope. हो गया, done है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन
इतने माइनस के इज योर स्लोप। अगर यही क्वेश्चन अपन फर्स्ट ऑर्डर जानता होगा तो अपना आंसर की होंगे -2.303 अपॉन के, याद है कि नहीं? ठीक है, इक्वेशन अकॉर्डिंग। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। हाइड्रोजन परोक्साइड, ये कर लोगे ना इतना क्वेश्चन? ठीक है, अपना ग्राफ इतना बनाया, देखो सो जरा इंटरसेप्ट है, देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्लोप माइनस के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है जी, हाँ जी बेटे, हाइड्रोजन परोक्साइड डीकंपोजेस टू H2O2 इन अ गिवन रिएक्शन दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड हैज अ वेट कांस्टेंट के। How long will it take for 15% of the sample to decompose? हो गया ना जी? So 15% उन्होंने पूछा है, आप इक्वेशन लगावांगे अपनी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? So k अपन गिवन है, इधर देखो, so t is equal to 2.303 upon k log of initial concentration upon final. ठीक है रदी, सो जेड़ा फर्स्ट पार्ट है उस दे विच अपा केडी वैल्यू अपन गिवन है, ठीक है, ऊपर आर नॉट कितना पर आंगे 100, नीचे कितना पर आंगे 85, क्योंकि 15% खत्म हो चुका है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 85% टू डीकंपोज, सेम ऊपर 100 नीचे 15, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन हाफ लाइफ, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर, सो पहले ही कर चुके हैं ना, जीरो ऑर्डर ले कितना है, फर्स्ट ऑर्डर ले कितना है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डीकंपोजिशन, कैलकुलेट द टी हाफ। सो रदे एक टिपिकल क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर का, देखो हम अपन ये क्वेश्चन दो बार यूज करनी होती है। देखो रे, पहले स्टेप च अपन की करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है, फर्स्ट लाइन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डीकंपोजिशन, है ना, अपन वैल्यू पुट करेंगे 40 मिनट्स फॉर 30% डीकंपोजिशन, हो गया। एथो अपने को के दी वैल्यू आ जाएगी, कोई भी बच्चा दसे कि के दे यूनिट्स की होंगे, चलो वैसे टाइम अपन को मिनट्स देता है तो पर मिनट है ना, इतना दिमाग लगाया करो, ठीक है ना, सो पर मिनट, ठीक है रजेश। Now, आप इतो के दी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उस तो बाद आप दोबारा फिर इक्वेशन यूज करेंगे, कैलकुलेट द टी हाफ, सो अपना आंसर की होगा। अच्छा मुझे थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, जिम्मे देखो उन्होंने ब्रैकेट दिता हुआ है, गिवन दैट लॉग ऑफ 1.428 तो एक कितना होगा, इन डिवाइड करके, समझ गए ना, 10/7 मेरे हिसाब से 1.4 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना, वो ता ही उन्होंने दिता है। तो टी हाफ की वैल्यू किमें कढ़ांगे आप, 0.693 अपॉन जेड़ा भी के आ गया, डन, जेड़ा वो टी हाफ आऊगा अलीशा उधर यूनिट्स की होंगे, जेड़ा टी हाफ आऊगा कैलकुलेट करके उस दिन हम मेरे इतना सो फिर इतना सोचना नहीं गलत सी, है ना, तो अपना के दी वैल्यू इज पर मिनट तो टी हाफ विल बी मिनट, ठीक है। हाँ जी, A reaction has a T half of 10 minutes. Calculate the rate constant for the first order reaction. Ho gaya 0.693 upon T half. What fraction of the reactant will be left after an hour of the reaction? Ho juga rade, ek ghante di gal hai, tab minute apan kitne put karange 60. Ho juga. Basically apan ne kitni value kadni hai, isliye
ठीक है ना, कितनी फ्रैक्शन बच जूगी। देखो पहला आप आर कढ़ांगे, बाद आप उस आर नो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन के नाल डिवाइड कर देंगे। अपन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन दिती है, दिती हुई नहीं, बस अपने को आऊगी फ्रैक्शन। एंटीलॉग लेना होगा रजे एंड पे, समझ गए। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9, हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स, सो फर्स्ट पार्ट अपन एक ए कैलकुलेट करना है, 0.693/10, सो 0.0693 पर मिनट हो गया, ठीक है भाई। हुनो कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आर ऑफ द रिएक्शन, सो कितनी फ्रैक्शन बच जूगी अपने को। सो अपना सेकंड पार्ट इज T is equal to 2.303 upon K log of R naught upon R, ठीक है भाई। ठीक है ना, देता अपन 1 hour यानी कि 60 minutes, 2.303 upon 0.0693 log of R naught बटे R। उन्हें तो देखो रे, सो अभी बेसिक नॉलेज थोड़ी जी यूज करा करो, जे उठे अपन को कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं। देखो अपन को पता ना भी यार कैलकुलेशन इतनी सौखी नहीं होगी, एक बार इतना मल्टीप्लाई करना बाद डिवाइड करना, बट अपन को पता है ना कि अपने को 0.3010 into 2.303 कितना होता है 0.693, पता ना था। हाफ लाइफ पीरियड ऐसे करते हैं अपन, यानी कि 2.303 अपॉन दिस लाइफ साहब कितना होगा, एक मिनट, हाँ 0.693 अपॉन दिस एरे बराबर आ चुका है ना, बस वही फाइनल कर रहे हैं, हाँ है ना, एंडिंग कर रहे हैं। सो देखो जी अपना 2.303 अपॉन 0.693 करते हैं तो दिस विल बी 1/0.3010, ठीक है ना। सो जे मैं हम इथे एक जीरो और लगाई है तो इथे 10 आ जाएगा ना, यस सर। लाओ साहब यार एनी कितनी कर ला आलो नहीं हैगी करता हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब मैं इसको डिवाइड करा तो आगली वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, ऊपर 10 आ जाएगा। जब मैं इथे 0.0693 करना है तो एडी वैल्यू इतनी आ गई, यस सर। डन, मैं रिप्लेस करता हूं, सेफ है ना। सो 10/0.3010 हो गया, यस। इनो अपन इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो द बेस में इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 0.30/10, सो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, 6 × 18 होता है 1.8 आ गया, है ना। सो आ सारा सॉल्व करके अपने को 1.8 आ गया, 1.8 का एंटी लॉग अपन इजीली ले सकते हैं, कितने लगाओगे देखो, फिर 1 लिख सकते हैं 1 कितने का लॉग होता है 10 का, ठीक है, गुना 0.8 कितने का लॉग होता है, करो यार कैलकुलेटर, 0.84 लॉग ऑफ 9 होता है, नहीं log of 7, log of 7 is 0.84, ठीक है, तो अपन 7 का थोड़ा सा घटा दो वैल्यू नो, 6.8 आ गया, 68 is enough, तो 1/68 बच चुका, एंड मैं बचना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग।
So R naught, R upon R naught should be 1 upon 68. पर एक बात है विदाउट कैलकुलेटर तो 64 है कोई नेड़े नेड़े कौन के विदाउट कैलकुलेटर तो सक्सेस ही है ना। ठीक है डन। आप जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन सॉल्व कराने तो हेल्प कर देते हैं एनी नेड़े आंसर नहीं देते होंगे। ठीक है ना। बस थोड़ी या खुद भी टकरा मारा करो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन यह जी गल बस अप्रोक्सीमेटली लगा दिया करो ना। ठीक है आदर दे। सो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर सीडो ऑर्डर रिएक्शंस। जशन की होती है जो सीडो ऑर्डर रिएक्शंस बट एक्चुअली नहीं बट ऑर्डर कुछ और होता है जिन्हें तक नहीं लिखो मार्क्स नहीं मिलने। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਆਰ ਸੀਡੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਵਿਚ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰੇ ਇਸ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਰ ਸੀ ਓ ਓ ਐਚ ਪਲੱਸ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਓ ਐਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਟਰ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਵਾਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟਸ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਬੰਨਾ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਐਸਿਡ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਐਸਟਰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪੀ ਐਸ ਆ ਛਾ ਗਿਆ ਨੋਟ ਐਸਟਰ ਵੀ 7 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਐਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਦੇ ਕਰਨ ਐਕਸੈਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अपने कोल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज फार 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 ग्रेटर देन द एस्टर। वो इतना ज्यादा होंगे रजे कि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत घट वध भी रही है अपने रेट से कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा। सॉरी अपना रेट उस दे उत्ते डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है ना। सो आप की लिखांगे कि सीडो ऑर्डर रिएक्शंस की होंदिया ने कि वेन द रिएक्शंस they seem to be of a different order but actual order different hunda hai. For example apa ye example devange te apa likhange ki ethe rate seems to depend upon the concentration of ester and water however water ni concentration any excess ch hundi hai ki water enna excess ch hunda hai ki jada rate hai oh water de upar depend nahi karda je sab reason aave ki kyon ta tusi likhoge ki one of the reactants is taken in excess उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। एंड दैट इज वाई दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर एंड ताई ही अपन उन्होंने कहने हैं सूडो ऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इफ ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of the reactant is reduced from 0.6 to 0.2 in 5 minutes calculate the rate constant bolunga theek hai
अपा आर नॉट पुट करांगे 0.6 आर पुट करांगे 0.2 सो दोनों नु कट के आ जाऊगा 3 log ऑफ 3 कितना होता है 0.477 ठीक है टाइम पीरियड अपन देता ही है हो गया क्वेश्चन द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज जो भी गिवन है ठीक है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फिर अपन ने टाइम करना है टू रीच फ्रॉम एनए टू एनए सेम क्वेश्चन है हो चुका ठीक है टाइम कितना अपने को कितना टाइम हो गया 54 चलो तुसी बैठ के जितना टाइम बचे है बाकी दे क्वेश्चन सॉल्व करो सो अगेन आई रिपीट मंडे विल बी द टेस्ट फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ट्यूसडे अपा इस चैप्टर दे जिन्ने भी थोड़े डाउट्स होंगे ते आई गारंटी यू भी कुछ क्वेश्चंस अगे हैगे ने जिन्ना च डाउट्स आने चाहिए ने जे सॉल्व करोगे ना ट्यूसडे विल बी द डाउट्स फ्रॉम दिस बुक एंड एनसीईआरटी बुक फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स एंड वेडनेसडे विल बी द टेस्ट फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स ठीक है दादी Thank you.